हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ट्विंकल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण खबर जो कि मैं आपको दिखाऊंगी न्यूज़पेपर की कटिंग के थ्रू। इससे पहले कि मैं आपको बता दूं कि यूपी टीजीटी पीजीटी के रिजल्ट आने वाले हैं, आप लोग रेडी रहिए। बाकी विषयों पर रिजल्ट पीजीटी पे आने वाला है और अब आप लोग सभी चीज़ की तैयारी अच्छे से करिएगा। तो मैं आपको चलिए दिखा देती हूँ। इससे पहले कि यदि आप मेरे चैनल पर नया, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, ये देखिए, चुनाव से पहले बड़ी शिक्षक भर्ती शुरू करने की तैयारी। ये देखिए फ्रेंड्स, नई भर्ती के लिए जल्द रिक्त पदों को ब्यूरो मांगेगा चयन बोर्ड। सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की होगी नियुक्ति। विधानसभा चुनाव में पहले सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक, प्रवक्ता, प्रधानाचार्यों की भर्ती शुरू करने की तैयारी है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड रिक्त पदों का ब्यूरो मांगने के लिए इसी महीने पोर्टल खोलने जा रही है। माना जा रहा है कि पोर्टल खुलने के एक महीने में प्रदेश भर के 4500 से अधिक एडेड कॉलेजों में रिक्त पदों की सूचना लेने के बाद भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। चयन बोर्ड सूत्रों का कहना है कि 15 से 20 दिन में पोर्टल खोल दिया जाएगा। नए शिक्षक भर्ती में प्रधानाचार्य का चयन भी किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये एक तरह से बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि अब कहीं भी रिक्त पद होंगे तो उसकी अब भर्तियां जो है वैकेंसीज निकल कर आएंगी, जिसमें आप लोग ईजिली आवेदन कर सकेंगे। और मैं आपको बता दूँ, ये उन छात्रों के लिए खुशखबरी ज़्यादा है जिनको यह लग रहा है कि वो इस टीजीटी पीजीटी में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो उनके लिए बेहतरीन मौके निकलेंगे। अब इन मौक़ों को आप लोग गंवाइएगा नहीं और आप लोग अपनी अच्छे से तैयारी करिए। अभी से हर चीज़ के देखते रहिए किस चीज़ का क्या सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। जैसे कि एलटी ग्रेड के बारे में आप लोगों को अभी से कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें भी 8000 के ऊपर पद निकलेंगे जिसमें आप लोग आवेदन कर सकेंगे। हर चीज़ की जानकारी अभी से लेते रहेंगे तो आप लोगों को आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती प्रक्रिया भी हो जाएगी, उसका जो विज्ञापन है वो आप लोगों को नवंबर के दूसरे सप्ताह में देखने को मिलेगा। इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप लोग अपने सब्जेक्ट पर अच्छी कमांड, अच्छी पकड़ बनाए रखें, ताकि आप ही लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और रही बात साक्षात्कार की, जो अभी टीजीटी पीजीटी का होना है, तो उसमें आप लोगों को अपने सब्जेक्ट पे कमांड बनाए रखना है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक यह सुनने में आ रहा है कि वो लोग आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछेंगे। इंट्रोडक्शन में वो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आप, क्योंकि आप लोगों के छात्र ज़्यादा होंगे एक दिन में, इस वजह से उसमें आप लोगों से जल्दी क्वेश्चन पूछेंगे मेन में। इसलिए आप लोग अपने सब्जेक्ट पे कमांड बनाए रखिए। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अभी से आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे तो आप ही लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑन द स्पॉट आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। वरना आप लोग अभी से डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिए, ताकि और फ़ोटो स्टेट करा के रख लीजिए, तीन जगह पूरे सेट बना लीजिए, हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन की मार्कशीट जो भी आप लोगों के पास, उसकी ओरिजिनल की ओरिजिनल भी रखिएगा एक फोल्डर में, और उसके तीन सेट कर लीजिएगा फोटोकॉपी के भी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।